नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लेबल्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मंडे के लेबल्स या नेक्स्ट डे के लेबल्स जो निकालने रहते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले बैंक निफ्टी हो या निफ्टी का चार्ट हो, उसको हम वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करने पे हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखिए मार्केट जो है यहाँ पे कंटिन्यू 4 हफ्तों 5 हफ्तों से कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे, आप लेवल देखो, ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 400 का, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू कलर। ये जो लेवल है ये लेवल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देखो काफ़ी टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे इस लेवल पे। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होके और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, एक दिन की क्लोजिंग मान लो इसके नीचे दे देता है, तो फिर हमारे नीचे के लेवल ओपन होके आ जाएंगे, जो कि फिर यहाँ पे आपको इस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा 42,000 के लेवल फिर ओपन होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब 1,000 पॉइंट का आपको लगभग लगभग 1,000 पॉइंट का मार्केट जो है डाउन साइड का और देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे कल का जो मंडे का लेवल है, मंडे अगर यहाँ पे सेम लेवल पे ओपन हो जाता है मार्केट, ओपन होके ये डाउन साइड यहाँ पे एक दिन का इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है हमारी, तो यूँ समझ लीजिए कि फिर आप रेडी हो जाइए 1,000 पॉइंट की डाउन साइड की जर्नी देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम में ही हमें, और आप एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि ये जो लेवल है जहाँ से इसने रिवर्सल खाया है, रिवर्स हुआ है मार्केट, यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 2 बार यहाँ पे इसने टच किया है, मतलब क्या हो गया हमारे लिए, ये डबल टॉप वाला ये हमारा चार्ट पैटर्न बन गया, डबल टॉप यहाँ पे मार्केट बना के, और ये सेम इसी लेवल पे खड़ा हुआ है जो इसका सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर कंटिन्यूसली गिरेगा, और हो सकता है 1 या 2 दिन में ये पूरा 42,250 के लगभग यहाँ पे आ सकता है। ये मतलब आपको 1,000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में कैसा चार्ट बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए, कंटिन्यूसली आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट डाउन साइड ही, उसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड है डाउन ही बना हुआ है। ठीक है, जो हमने अभी सपोर्ट एंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाली 400 की, 43,400 का जो लेवल है हमारे लिए, वो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कितने दिन टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, कितना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे हुई है हमारी, अगर ये इसी लेवल पे ओपन होके कल यहीं कहीं ट्रेड करता रह जाए और इसकी क्लोजिंग जो है 43,400 के लेवल के नीचे हो जाएगी, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल के हमारे जो है टारगेट निकल के आ जाएंगे 1,000 पॉइंट के डाउन साइड के। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये अप साइड का मूव करता है, तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, ये 44,000, पहला रेजिस्टेंस 44,000 का बना हुआ है। उसके ऊपर क्रॉस करता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला कह सकते हैं कि ये एक 44,400 का जो लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर जाता है तो ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 44,800 का लेवल। ये ऊपर जाने में इसको ज़्यादा कठिनाई है, बहुत सारे इसको रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा तब ये ऊपर जाएगा। और डाउन साइड अगर आप देखो तो डाउन साइड के लिए इसके लिए पूरी तरह ये यहाँ पे मैदान खाली पड़ा हुआ है। ये डाउन साइड में जो इसको सपोर्ट मिल सकता है वो मिल सकता है, ये लेवल आपको निकल के आ रहा है 42,800, मतलब 750 के लगभग, यहाँ पे 800 के लेवल पे यहाँ पे ये थोड़ा सा
रुक सकता है, सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यूसली 1000 पॉइंट गिरने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा जो कि लेवल है यहाँ पे 42,150 या 200 के आसपास का, ठीक है। तो आप अभी अब तैयार रहिए, अपर साइड का कोई मूवमेंट मत देखिएगा। हाँ, कोई भी अगर प्राइज एक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा तो हम देखेंगे, लेकिन कॉल साइड का व्यू ज़्यादा मत रखिएगा। कॉल साइड पूरा मार्केट बीयरिश से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, और वो कब से गिर रहा है देखिए, यहाँ पे क्या डेट आ रही, 15 सितंबर से, है ना, और आज है 22 अक्टूबर, पूरे एक महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, एक महीने से ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा ऊपर कभी एक दिन ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बनते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करती है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 3-4 दिनों से कंटिन्यू मार्केट कितना गिरा हुआ है। यहाँ से आप देखो 44,600 के लेवल से लेके और यहाँ पे आप देखो 43,000, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। थोड़ा सा 2 दिनों से आपको ग्रीन ज़रूर दिख रही होगी, ये कैंडल ग्रीन इसलिए दिख रही है यहाँ पर क्योंकि ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज यहाँ पे हुई, इसलिए वो ग्रीन दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर से दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होके, सॉरी, यहाँ पे ओपन होके गैप डाउन ओपन होके और ऊपर साइड गया, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बनी हुई है। अब अगर मार्केट कल जो है इसी लेवल पर ओपन होके और ये इस लेवल की तरफ आता है तो फिर हमारे लिए नीचे के डाउन साइड के ऑप्शंस खुल जाएंगे और 1000 की रैली के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गए लेवल्स। अब एक बार और 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसी को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे थोड़ा सा ये संभालने की कोशिश किया था, लेकिन ये यहाँ पे यू कह सकते हैं कि ये करेक्शन था इसके लिए, और यहाँ पे कंटिन्यू देखो डाउन साइड ही जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, और तैयार रहिएगा आप नेक्स्ट जर्नी के लिए डाउन साइड की। बस कल का दिन हमें जो है क्लोजिंग 400 के नीचे चाहिए, 43,400 के नीचे चाहिए, तो फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आ जाएंगे। मार्केट ओपन होता है इसी लेवल पे या डाउन भी ओपन होता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है डाउन साइड मार्केट। आपको एक चीज़ और बता दूँ, गैप डाउन ही ओपन होने वाला है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। मार्केट हमारा निफ्टी में क्लोज हो गया था, ये हमारा 15 मिनट्स में लगा लेते हैं, थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ये 20 तारीख को मार्केट हमारा 3 बजे कहाँ गया, ये 3 बजे, ये रहा, ये आपका यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। वहाँ से मार्केट आप देखो 19,522 का लेवल यहाँ पे आ रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे लेवल आ रहा है ये, हाँ 20 मान लो, तो 20 से भी आवा गए यहाँ 426, मतलब कितने पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट, मतलब राउंड फिगर में अगर माने तो 90 पॉइंट की गिरावट के बाद यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी इसी लेवल पे ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी, तो हमारा निफ्टी भी इसी लेवल पे ओपन होगा और ओपन होके वो डाउन साइड का ही मूवमेंट कर सकता है। जब ये निफ्टी डाउन साइड का मूवमेंट करेगा तो हमारा बैंक निफ्टी ऑब्वियसली डाउन साइड का ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि दोनों जो है निफ्टी डाउन साइड जाए और बैंक निफ्टी ऊपर साइड जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो जिस साइड निफ्टी जाएगा उसी साइड हमारा बैंक निफ्टी जाएगा, तो तैयार रहेगा। हमारा जो व्यू है हमारा मंडे का और नेक्स्ट आने वाले वीक में, पूरे वीक का व्यू हमारा जो है डाउन साइड का ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गए कल के लेवल्स, आप लोगों को निकाल के मैंने बता दिए। और अगर क्लियर और आप लोगों को चाहिए लेवल्स की कितने से कितने तक का, जो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आप लोग बताते हो, पूछते रहते हो, तो उसके लिए हम लेवल्स निकाल देते हैं यहाँ पे। देखिए मार्केट गैप डाउन ही ओपन होने वाला, ये बात तो पक्की है। ये चार्ट वहाँ पे उसके नीचे लोड नहीं हो रहा है, इसके नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब आपका मार्केट ओपन होने वाला है ये 500 से 600 के बीच में मार्केट, और बल्कि 500 से और बल्कि हाँ यही 500 से 600 के बीच में 43,500 से लेकर 43,600 के बीच में कहीं मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। मंडे को अगर इस लेवल पे ओपन हो गया 500 के लेवल पे या इससे थोड़ा सा और नीचे,
और नीचे चला गया तब तो वो नीचे ही जाता जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है लेकिन जो ओवरऑल व्यू रहेगा डाउन साइड का रहेगा, यहाँ पे अब कोई सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। ठीक है, और जो आपको चैनल के यहाँ पे स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर दिखाई दे रहा होगा वो आप नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपको लर्निंग ग्रुप में जोड़ दूँगा। जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, रोज़ रात को 9 बजे क्लास होती है, आप उस पर डायरेक्टली जुड़ के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।